नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्ले स्टोर को अपडेट कैसे किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यदि और कोई एप्लीकेशन हो तो उसे हम प्ले स्टोर से जा करके अपडेट कर सकते हैं, पर यदि प्ले स्टोर को अपडेट करना है तो प्ले स्टोर कहाँ से अपडेट होगा और कैसे होगा, ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों जो प्ले स्टोर है वो प्ले स्टोर से ही अपडेट होता है, पर कैसे होता है ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। पर मैं आप लोगों को बताऊं कि प्ले स्टोर को अपडेट कैसे किया जाता है, उससे पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि प्ले स्टोर को अपडेट कैसे किया जाता है। दोस्तों प्ले स्टोर को अपडेट करने के लिए हमें प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। चलिए हम पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्ले स्टोर है तो हम इस प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। पहले आप लोगों को डाटा चालू कर लेना होगा तभी तो प्ले स्टोर अपडेट हो पाएगा। और उसके बाद से यहाँ फिर ट्राई अगेन पर कर देंगे और अब आप लोगों को यहाँ आपने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोगों को यहाँ नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ इस सेटिंग वाले पर आपको जाना है। और उसके बाद यहाँ सबसे नीचे आपको मिलेगा अबाउट का ऑप्शन, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अपडेट प्ले स्टोर। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है जहाँ पे लिखा है अपडेट प्ले स्टोर, तो आपका प्ले स्टोर अपडेट होने लगेगा। चलिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बता रहा है गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट, मतलब मेरा जो प्ले स्टोर है वो पहले से ही अपडेट है। और यदि आपका प्ले स्टोर अपडेट नहीं रहेगा तो वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्ले स्टोर को प्ले स्टोर से ही अपडेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।